हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहां पर आपके 50 प्रश्न हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 61 है और इसके पहले आपके 60 प्रैक्टिस सेट जो कि आपके हिंदी के फुल टेस्ट, जहां पर आपके 50 प्रश्न हुआ करते हैं, सभी के आपके प्रैक्टिस वहाँ पर आपके अपलोड कर दिए गए हैं और प्ले लिस्ट भी बना दी गई है। अगर आपकी हिंदी में 40 प्लस के ऊपर नहीं जाते हैं तो आप इन प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, आपको 100% 45 प्लस नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चे हमसे पुराने जुड़े हुए हैं, सबके 45 46 47 48 तक उनके मैसेज आते हैं कि सर, हमारे इतने नंबर आपके प्रैक्टिस सेट में हो जाते हैं। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में 45 प्लस लगा लिया, यकीन मानिए कोई भी एग्जाम हिंदी का हो, आपके यहाँ पर 45 नंबर लेके ही आएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोगों को गद्यांश सॉल्व करना है, ठीक है। गद्यांश, और गद्यांश को सॉल्व करने के तो जो तरीका होता है, हमने आपसे बताया कि सबसे पहले गद्यांश को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर दिए हुए प्रश्नों को पढ़ना है, ना कि गद्यांश को पढ़ना शुरू कर देना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले दिए हुए प्रश्न को पढ़ना है। जैसे आपके यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक बार एक रोमन राजनीतिक किनके हाथों में पड़ गया, यहाँ पर विदेशी आपके बलवाइयों, शत्रुओं और राजा के सैनिकों, ठीक है ना। वैसे आपके यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ लेना है, ठीक है। आपके 5 प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें से एक समझ में आ जाएगा कि इसका शीर्षक कहर क्या रहा है, जब आपको इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है कि महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते, परंतु उन्होंने उस लोगों की बात नहीं मानी जिन्होंने अधीन पूर्वक जीते रहने की सहमति दी थी। मतलब इस प्रकार से जब पढ़ेंगे तो जो प्रश्न आपने पिछला अभी देखा, वो प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, और आप आंसर यहाँ पर तुरंत टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना है। यही शॉर्ट ट्रिक होता है, यही शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका यहाँ पर हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे पोर्शन में, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कैसकी वृत्ति से संबंधित रस है, कैसकी वृत्ति, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वृत्ति होती क्या है, ठीक है। वृत्ति होती क्या है, तो वृत्ति वो होती है जो कह सकते हैं प्रधान पात्रों के व्यवहार को वृत्ति कहते हैं, जो अंतरंग भावों को विभिन्न चेष्टाओं द्वारा प्रकट करती है, ठीक है ना। और जो वृत्ति होती है 4 प्रकार की होती है, एक होती है कैसकी, दूसरी होती है सातवती, एक होता है आपका आर्भटी और चौथा होता है आपका भारती। ये 4 प्रकार के आपके वृत्ति होती हैं, जिसमें से आपका कैसकी वृत्ति से संबंधित होता है आपका श्रृंगार रस, जो कि ऑप्शन राइट आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न पंक्तियाँ किस छंद का उदाहरण है, यहाँ पर आपसे दिया है साधु भक्तों के सुयोगी सैमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्री की विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों से में सूल से गढ़ने लगे। ये आपका दिया है पंक्ति, और ये पंक्ति में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका छंद है, ठीक है। देखिए, इनमें से अगर इसको हम काउंट करें तो सभी मात्राएं आपकी यहाँ पर 26 निकलेंगी। क्या, यहाँ पर सभी जो मात्राएं हैं वो आपकी 26 मात्राएं निकलेंगी। मतलब इन पंक्तियों में 14 और 12 के क्रम में देखा जाए तो 26 मात्राओं वाला आपका छंद है, और 26 जो मात्राएं होती हैं वो आपकी होती हैं गीतिका में। किस में होती हैं, गीतिका में, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, बनारस शब्द का तत्सम रूप बताइए, बनारस शब्द का तत्सम बताना है। तो बनारस का जो तत्सम रूप होता है वो होता है वाराणसी, ऑप्शन राइट आपका ए वाराणसी होता है, और वाराणसी इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना, समझ में आना, वाराणसी। नेक्स्ट कर आपसे कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित ताप मोह कौं भोगू, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित ताप मोह कौं भोगू, इस पंक्ति में जो दिया है वो दिया है आपका वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार है। यहाँ पर कह सकते हैं कि इन पंक्तियों को सीधे पढ़ने पर कोई विशेष अर्थ नहीं बदलता, लेकिन कंठ स्वर बदलकर पढ़ने पर अद्भुत व्यंग की व्यंजना होती है, इसलिए इसे यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, अगर आपसे यहाँ पर सही वर्तनी चुनिए, हमेशा से आपको कहते हैं कि आपकी एग्जाम में जो आपकी वर्तनी होती है वहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, लगाइए, आपको देखने को या अच्छे प्रश्न आपको होते हैं वो आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। कह रहे हैं सहानुभूति,
जो सहानुभूति होती है वो शुद्ध कौन सा होगा, तो ऑप्शन राइट आपका ए सहानुभूति आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, विष्णु का, और यहाँ पर जो विष्णु का पर्यायवाची है वो है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका सी आपका गरुण ध्वज, ठीक है, क्या है आपका यहाँ पर गरुण ध्वज हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर 12 नंबर, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखना है और देख लीजिए आपके शुद्ध वाक्य हैं कौन आपके। यहाँ पर आपका जो सी नंबर कह रहा है, फूलों की एक माला ले आइए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में आपके पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ मतलब उल्टा सीधा आपको बोल दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे, इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर, तो देखिए जाति जो होती है वो मनुष्य को होती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मनुष्य शब्द में जातिवाचक है। वहीं पर देखा जाए तो गंगा एवं स्वर्ग में व्यक्तिवाचक है और मंडल में समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे, पंक्ति शब्द का तद्भव बताइए, पंक्ति का जो तद्भव होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा बी आपका पांत होता है, क्या होता है पांत होता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी देख लीजिए कौन सी आपकी, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में शुद्ध वर्तनी संबंधित, और ये आपका जो कुमलांगिनी लिखा है वो आपका सी सही लिखा है, कुमलांगी होता है, क्या होता है कुमलांगी होता है, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं से, प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए, प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए, और यहाँ पर प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी आपका प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रति, मतलब प्रतिधन अच्छ, क्या बनता है प्रतिधन अच्छ बनता है, और प्रति आपका हो गया उपसर्ग, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, इनमें से स्मरण पत्र किसको कहा जाता है, स्मरण पत्र किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपकी जो ऑप्शन राइट आपका बी है, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन पत्र को स्मरण पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, जो धन कमाते हों उनमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, में वाक्य का प्रकार बताइए, इसमें कौन सा आपका है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा सा अवश्य बचाना चाहिए, यहाँ पर आपका जो वाक्य है वो किस प्रकार का है, ये वाक्य हो जाएगा आपका जो आपका डी है आपका इच्छावाचक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे आपसे, यहाँ पर तेनालीराम विदूषक थे, अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए, तेनालीराम विदूषक थे, यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य बताना है, और इसके आधार पर देखा जाए तो ये आपका होता है विधिवाचक, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा विधिवाचक। नेक्स्ट कह रहे आपसे कि ज्ञा, ठीक है, जो आपका ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, ज्ञा जो ज्ञा वर्ण बना है वो आपको इसको हम ज्ञा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ज्ञा, अर्थात यहाँ पर आपका जो बी है ये ज्ञा, ये इस प्रकार से आपका सही बनता है। नेक्स्ट कह रहे आपसे कि निम्नलिखित छह वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, यहाँ पर हर बार से हम आपको समझाते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, और सबसे पहले आपको इसको लिखना है, फिर आपको अंतिम ये होता है, अब ये क्रम आपके उल्टा सीधा है और ये इस क्रम से आपके ऑब्जेक्टिव दे दिए गए हैं, कौन सा क्रम सही है आज आपको इसका जवाब आपको देना है 21 नंबर का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे, वीर रस्य पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता रहती है, वीर रस्य पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता रहती है, तो याद रखिएगा जो वीर रस्य पूर्ण काव्य होते हैं उनमें जो आपकी अधिकता होती है वो आपकी ओज की होती है, ठीक है, ओज की होती है, ओज गुण की होती है। नेक्स्ट कह रहा आपसे, शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए, शरण, और शरण का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है यहाँ पर आपका बी, मतलब आश्रय रक्षा और बचाओ। निष्कर्ष है, निम्न से तत्सम शब्द चुनिए, तत्सम, और देखिए यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो आपका ए नंबर आपकी राशि हो जाएगा, क्या राशि शब्द आपका तत्सम है, जो आपका ये है ये आपका देशज है, रात आपका तद्भव है, ठीक है ना, जो राह है ये आपका विदेश शब्द है। मिस कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, कह रहा है जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसे बोल लेते हैं अग्रगण्य, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा अग्रगण्य। मिस कह रहे हैं, निम्न वाक्यों में से कृत्यवाच्य का चयन कीजिए, कृत्यवाच्य होते क्या है, कृत्यवाच्य, और जो कृत्यवाच्य होते हैं वो कह रहे हैं देख लीजिए यहाँ पर आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा अब चलते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है अब चलते हैं, यह वाक्य आपका कृत्यवाचक का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे, अर्थ के आधार पर वह विद्यालय नहीं जाएगा किस प्रकार का वाक्य है,
वह विद्यालय नहीं जाएगा, एक ऐसा है। तो आप सबको पता है कि ये आपका जो निषेधात्मक, ठीक है, ऑप्शन बी निषेध वाचक आपका वाक्य है। नेक्स्ट है आपसे टू द लाइन का अनुवाद बताइए, ठीक है, टू ई मतलब टू ओ ई टी द लाइन का अनुवाद बताइए, इसका अनुवाद क्या होता है, मतलब इसका हिंदी रूपांतरण आपको करना है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर अनुसरण होता है, क्या होता है, अनुसरण होता है, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग देख लीजिए कि उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो आपका किस में हुआ है, ठीक है। और देख लीजिए आपका जो ए नंबर है आपका उपकार, उपकार में जो बना है वो उपधनकार से बनता है, तो उपकार में आपका हो गया ना, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, उपसर्ग को हुआ है, शेष आपके उपसर्ग रहित हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, प्रत्यय से आपकी जो रचना हुई है वो आपका कौन सा शब्द है, देख लीजिए जिसमें प्रत्यय है, प्रत्यय होता है जो शब्द के लास्ट में होता है, ठीक है, अंतिम में होता है। तो 30 का ऑप्शन राइट आपका जो सी है आपका कृपालु, इसको हम लिखेंगे कृपाधन आलू, क्या कृपाधन आलू, अर्थात इसमें से आपका आलू प्रत्यय छिपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम और द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात की रहे जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो, अच्छा तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपका समान है 31 में, तो देखिए जो बी है गरुड़ और यहाँ पर है पन्नगारी, ये समान अर्थ हैं, ठीक है, दोनों ये आपके समान युग्म में ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है, पगड़ी उछालना अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अपमान करना, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, अपमान करना। नेक्स्ट कह रहे आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य का चयन कीजिए, संदेहवाचक चाहे आपको चयन करना है जिसमें संदेह होता है, और यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा बी, अब तक सब तैयारी हो चुकी होगी, मतलब संध्या है, क्या हो गई है कि नहीं, नहीं पता है ना, अब तक सब तैयारी हो चुकी होगी, ये आपकी सही है। नेक्स्ट कह रहे आपसे शहद के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति बताइए, शहद के लिए देख लीजिए सात के लिए, और ऑप्शन राइट 34 का हो जाएगा आपके यहाँ पर बी पुष्पासव मद और आपका पुष्परस होता है। नेक्स्ट कह रहे आपसे श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा, श्रद्धा और श्रद्धा का जो शुद्ध हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए श्रद्धा को अगर तोड़ते हैं सर द ये आपका बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, मतलब इस प्रकार से अगर तोड़ेंगे एक एक अक्षर को वर्णों को एक एक वर्णों को तो इस प्रकार से आपको बनेगा ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे आपसे खाक डाले चांद नहीं छिपता, खाक डाले चांद नहीं छिपता लोकोक्ति का क्या अर्थ है, जिसका अर्थ है मतलब कह सकते हैं कि अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, मतलब अच्छा आदमी अगर निंदा करोगे तो क्या मतलब उसे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सूरदास के काव्य किस भाषा में है, सूरदास के जो काव्य हैं वो किस भाषा में है, ठीक है, और सूरदास के जो काव्य हैं वो हैं आपके 37 का ऑप्शन आपका डी आपकी ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट कह रहे हैं जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए हो जाएगा आपका डी आपका अज्ञानी होता है, क्या होता है, अज्ञानी होता है। टेस्ट पेपर काफ़ी ईजी है और काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं आपके इतने प्रैक्टिसड जिसकी वजह से आपका बड़ा ईजी लग रहा होगा। नेक्स्ट कह रहा है 39 नंबर कि विकल्प आपका यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य देख लीजिए यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आपका योजक चिन्ह और आपका लोप होता है, और कहाँ पर है कोई है और, अच्छा नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं भी बताते हैं, जो ए नंबर है ना ठीक मतलब ना एक ठीक है ना दूसरा, यह संयुक्त वाक्य इसमें योजक चिन्ह शब्द और का लोप हुआ है, मतलब ना एक ठीक है और ना दूसरा, इस प्रकार से यहाँ पर लोप होना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट आपके यहाँ पर कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाता है ए ना एक ठीक है और ना दूसरा, इस प्रकार से सही होता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर है। नेक्स्ट कह रहे आपसे यहाँ पर 313 होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, 313 होना बिल्कुल लीजिए, 313 मतलब कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका तितर बितर हो जाना, इधर उधर भाग जाना, जैसे कि अनुवाद करिए कि पुलिस को आता देखकर सारे जुआरी 313 हो गए, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे आपसे कुंठित का विलोम शब्द इनमें से नहीं है, कुंठित और कुंठित का विलोम होता है वो आपका नहीं है, देख लीजिए कौन सा 41 में, तो कुंठित के विलोम शब्द जो आपका दिया है आपका आपका ए,
ठीक है। ए आपका कुटिल, कुटिल में से भिन्न है। शेष आपको दिया जैसे कुंठित है, तीखा है, धारदार है, ये आपके कुंठित कह सकते हैं, ये आपके इससे होते हैं, लेकिन आपके कुटिल आपके इससे भिन्न है। नेक्स्ट कह रहे आपसे निम्न से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखिए कौन है, और यहाँ पर आपका जो ए नंबर है आपका आनंद, ठीक है। आनंद इस प्रकार से सही लिखते हैं बिल्कुल से, कहीं ना कहीं आपकी इनमें और इनमें कुछ ना कुछ आपकी दिक्कतें हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट कह रहे आपसे दृगंचल का संधिविच्छेद बताइए, दृगंचल। और आपसे बता दें कि थोड़ा हम आज स्पीड में हैं क्योंकि थोड़ी समस्याएं हैं और घर में शादी आदि का माहौल चल रहा है, ठीक है ना, और पूरे परिवार में है, तो इस वजह से थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अभी शोर होने लगेगा, तो इस वजह से हम पढ़ा दे रहे हैं। वैसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो आप इसे टेस्ट लगा सकते हैं। जो नए बच्चे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पिछले वीडियो देखिए, आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप कह रहे हैं दृगंचल का संधिविच्छेद बताइए, दृगंचल। और दृगंचल का जो संधिविच्छेद होता है आपका 43 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपका द्रक धन अंचल। क्या होता है द्रक धन अंचल, जो कि ऑप्शन राइट आपका 43 का हो जाएगा आपका सी, द्रक धन अंचल। मतलब यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, कैसे, कि जिसमें किसी व्यंजन वर्ण के आगे कोई स्वर या किसी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण आए तो पहला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है, जैसे काका जो होता है वो गा में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके रैप से जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, यहाँ पर आपका किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 44 में वो आपका बी हो जाएगा, संबंधवाचक, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, मतलब संबंध है उससे। नेक्स्ट कह रहे आपसे लहदा किस स्थान की भाषा है आपकी लहदा, और जो ये आपकी है वो आपकी पंजाब की कह सकते हैं कि जो आपकी पश्चिम पंजाब है, ठीक है, पश्चिम पंजाब है, इस एरिया में आपका लहदा वर्ड आपका होता है जो कि अर्थ पश्चिम होता है, इसका लहदा मतलब ही पश्चिम होता है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष पर्याय नहीं है, इनमें से कौन निष्कर्ष का पर्याय नहीं है, निष्कर्ष, और निष्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका 46 का ऑप्शन आपका डी आपका नेपथ्य, ठीक है, आपका नेपथ्य आपका निष्कर्ष का पर्याय नहीं है 46 में, ठीक है ना। नेपथ्य आपका कह सकते हैं, आपका जो नेपथ्य होता है वो रंगमंच का अंतिम भाग होता है, ठीक है, नेपथ्य जो होता है रंगमंच का अंतिम भाग होता है। नेक्स्ट कह रहे आपसे 47 नंबर कि संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं, संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं, ये 47 का ऑप्शन राइट आपका कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा जो आपकी यूपी टीएससी एग्जामिनर ने सही किया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी है। बहुत लोग होते हैं 3 कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो यूपी टीएससी एग्जाम सही करता है वो आपका 5 करता है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है, और ये आपके होते हैं जो कि ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे आपसे साकेत किसकी रचना है, साकेत, और साकेत जो महाकाव्य है एक, ठीक है, और ये 1931 में रचित किया गया था, और इसके रचयिता है आपके मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त को 1932 में मंगला प्रसाद परितोषित प्राप्त हुआ था, एक पुरस्कार है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अंतर के पट खुलना, अंतर के पट खुलना मतलब क्या होता है आपका, अंतर के पट खुलना ऑप्शन राइट आपका सी, विवेक से काम लेना, ठीक है, विवेक से काम लेना। और आपका यहाँ पर दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो इसका चयन आपको यहाँ पर डी लगा देना है, आंसर सिंपल बात है। और यहाँ पर त्रुटि है आपकी कौन, तो कह रहा है उसे आशा है, उसे आशा है, यही आपका गलत है, गलत हो गया, नहीं समझ में आया, उसे आशा है नहीं, उसे आशंका होती है, या क्या लिखा जाता है, उसे आशंका है होना चाहिए, उसे आशंका है कि वह असफल हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आशा नहीं आशंका होती है, ठीक है ना। और ये हमने यहाँ पर 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाया, थोड़ा सा आज स्पीड थी, ठीक है ना, काफ़ी बच्चों को अच्छा लगा होगा, काफ़ी बच्चों को बुरा भी लगा होगा, जो बच्चों को बुरा लगा होगा, ठीक है ना, वो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, थोड़े से समस्याएं होती हैं, सबके पास होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जाते जाते वीडियो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाके जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो देखने को ढेर सारे मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।